भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जिसका जश्न नागपुर में भाजपा द्वारा मनाया गया है। इस समय पार्टी के नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ढोल बजाकर, मिठाई खिलाकर हरियाणा चुनावी जीत का जश्न मनाया गया। इस समय विधायक कृष्णा खोपड़े ने प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि हरियाणा की जीत महाराष्ट्र में दोहराई जाएगी। हरियाणा में जो जीत मिली है, इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस की, राहुल गांधी की खटाखट वाली नीति और लाल किताब लेकर लोकसभा के चुनाव में संविधान का जो उन्होंने उल्लंघन किया, वो लोगों के मन में था कि अपन ने कही तो भी ये गलत हुआ है, और इसलिए लोकसभा के चुनाव का बदला उन्होंने अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में निकला। लोगों के मन में जो खटखट थे कि ये कांग्रेस वालों ने जिस तरीके के जनता को मूर्ख बनाया, लोगों को मूर्ख बना के हमारा जो मतदान हुआ, उसका उत्तर अभी इस चुनाव के अंदर उन्होंने दिया है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने वहाँ पर विश्वास व्यक्त किया। इसका हरियाणा का बहुत बड़ा असर अभी महाराष्ट्र में भी पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो अलायंस है, वो एक तिहाई नहीं तो दो तिहाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में महाराष्ट्र में आएंगे। शहर के तिलक पुतला परिसर में बीजेपी द्वारा बड़ी उत्साह के साथ जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष बंटी कुकड़े द्वारा प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में झूठा प्रचार करने वाली कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में बेनकाब हो गई है। जो संभ्रम भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में राहुल गांधी और उनकी भ्रष्टाचारी टीम ने जो लोगों में संभ्रम फैलाया था, वो लोगों से संभ्रम टूट गया। लोगों को समझ में आया इस देश में यदि विकास हो सकता है और पारदर्शिता से भी विकास हो सकता है, तो वो विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और जनता का भरोसा, जनता का विश्वास केवल भारतीय जनता पार्टी ही जीत सकती है। इसलिए हरियाणा के जनता का हम आभार मानते हैं, उन्होंने विश्वास जताया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार, मौत का कुआ, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क, सावनी रोड, पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास, नागपुर।